बिहार में कभी भी किसी भी वक्त सत्ता का परिवर्तन तो हो ही सकता था, ये बात आप भी जानते थे। लेकिन नीतीश कुमार के बहुमत पेश किए जाने के बाद तेजस्वी यादव एक ऐसा खेल करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। अब तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है किसी भी वक्त, आपको पूरी जानकारी देंगे कि नीतीश कुमार को कैसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। पर वीडियो को लाइक करना भूल गए, तो आज इस वीडियो पर 15,000 लाइक का टारगेट रखते हैं। कॉमेंट बॉक्स में सीएम तेजस्वी जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करके आग लगा दीजिए, सभी जगहों पर शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। जीतन राम मांझी तो पहले से ही टारगेटेड थे कि बहुत जल्दी जीतन राम मांझी पलटी मार सकते हैं, पर जीतन राम मांझी इतना बड़ा खेल करेंगे सोच भी नहीं सकते थे आप। ऐसे में क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन समझ लीजिए किस तरीके से सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव पर घोटाला का आरोप है और एक एक पन्ना तो खुल ही रहा है। तेजस्वी यादव का कल्ला चिट्ठा भी सामने आएगा, रोजगार दिया या खेल किया। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग में बड़ा बयान जारी किया है। साथ ही साथ दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि लगातार देश में इस वक्त जी आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिजली को लेकर के खबर सामने आ रही है और बिजली व्यवस्थाओं को लेकर के जानकारियां सामने आ रही है। मुख्य तौर पर आपको बड़ी खबर देंगे जहां बताएंगे किस तरीके से ललन कुमार सिंह को अपने खेमों में जोड़ने की बड़ी तैयारी शुरू हुई है। साथ ही साथ दोस्तों एक नया प्रयास, एक नई खबर बीजेपी ने करना शुरू किया है, कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी के साथ ही साथ दोस्तों आज की बेहद बड़ी खबर बताएंगे किस तरीके से लगातार दोस्तों कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की भरपूर कोशिश की गई है। ईवीएम मशीनों को बैन करने की मांग, ईवीएम मशीनों को फिर से बता दें दोस्तों, बैन करने की मांग तेज रफ्तार पकड़ चुका है और ईवीएम मशीनें बैन हो सकती हैं। साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के एक बयान से स्पष्ट तौर पर ये बातें सामने आती है कि केसीआर इस वक्त कुछ नया दृश्य दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ एक बेहद बड़ा प्रयास, एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है जहां योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रदेश को विकसित बनाने के लिए बड़ा प्रयास किया है। साथ ही साथ आज की बेहद बड़ी खबर में यह जानकारी देंगे, यह खबर बताएंगे किस तरीके से लगातार इस वक्त देश की जनता के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। लेकिन आज की ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वक्त जो है वो सामने आ रहा है और खबर है कि अब देश के कई व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है आज। और बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक बहुत बड़ा प्रयास, एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आज जी हाँ तेजस्वी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जैसे बड़े सुपरस्टार भी कुछ बड़ा समर्थन करते नजर आ रहे हैं कुछ लोगों का, इसके बारे में स्पष्ट एक बयान देंगे। लेकिन समझ लीजिए किस तरीके से लगातार तो दोस्तों जो है वो इस वक्त टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में बिहार में व्यवस्थाओं को सुधारने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। मुख्य तौर पर आपको एक एक जानकारियों को विस्तार से देंगे कि आज देश में किस तरीके से स्कूटी के वितरण करने की सरकार की अहम योजना सामने आई है और आज की बड़ी खबरों में बताने का प्रयास रहेगा, खबर को विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त स्मार्टफोन की दुनिया में एक नया बवंडर, एक नई तस्वीरें सामने निकल करके आ गई है और ऐसे में इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, देश में लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, क्रिमिनल की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है और सरस्वती पूजा जैसी विसर्जन को बातों को लेकर के डीजे को बैन कर दिया गया, कहा गया भैया डीजे तो नहीं चलेगा। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार सचमुच क्या डरी सहमी हुई है। इसके साथ बहन जी मायावती ने भी एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है जो राजनीतिक में बहुत उठा पटक के बीच में एक नए दौर की शुरुआत के साथ कई नई बातों को स्पष्ट तौर पर रख सकता है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल करके आई है और खबर यह है कि इस वक्त देश में वायरल फीवर की घटनाएं बढ़ी है, वायरल फीवर के वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।
साथ ही साथ आज देश में किस तरीके से लगातार जो है डीजल और पेट्रोल की महंगाइयों ने लोगों को तोड़ रखी है, लोगों को परेशान कर रखी है, आपको ये भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन समझ लीजिए किस तरीके से सब्जियों की कीमत ने लोगों को रुला रखा है और आम जनता भी सब्जियों की कीमत को लेकर के आज परेशानियों को लेकर के साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है। इसके साथ ही साथ आज देश के किसानों को MSP जैसी चीजों पर फिक्स कानून की मांग करना भारी पड़ा है, क्योंकि उनके ऊपर गोले दागे जा रहे हैं, बम दागे जा रहे हैं। इसके साथ तेज प्रताप यादव ने कहा कि कब तक ठीक होगा ये देश की सरकारें, कब तक ठीक करेंगी, इन लोगों को रोजगार देने नहीं आता, ये बेरोजगारी स्तर बढ़ाए जा रहे हैं। मुकेश सैनी जैसे बड़े नेता भी इस वक्त BJP के खेमों में जाने के लिए अपने खुद के रास्ते को खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे BJP उनके खेमों की खुद की रास्ते को खोलकर उन्हें स्वागत कर सके। लेकिन उससे भी बड़ी खबर तो यह है कि चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने मरोड़ने और इसके साथ कई बड़े निर्णय को लेने के साथ समर्थन में खड़े होते नजर आए। लेकिन बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा। तेजस्वी यादव के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे पहले ही खेल की शुरुआत कर दी गई। अब तेजस्वी यादव के सामने मुसीबतों का पहाड़ आ चुका है। तेजस्वी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि चीजों को पूर्ण रूप से ठीक कैसे की जा सकती है। तेजस्वी ने संपूर्ण तरीकों से अपने क्रांतिकारी मूड मिजाज बना लिए हैं। तेजस्वी ने साफ तौर पर बताया कि लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक और मजबूत जीत के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे में तेजस्वी ने साफ तौर पर अटूट प्रेम और जबरदस्त भावनाओं को जोड़ने की बड़ी तैयारी की है। पर तेजस्वी यादव को दोबारा से कभी CM के तौर पर चेहरा ना मिल पाए, ऐसे में कोशिश तो बहुत बड़ी की गई है जिससे तेजस्वी को डैमेज किया जाए, तेजस्वी को किसी भी तरीके से निकलने से रोका जाए और ये कंट्रोल रूम से कर दी जाए। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर के आ रही है कि इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी सामने निकल कर के आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बताया कि 2024 के चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी तैयारी और बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर के आ रही है, और ऐसे में साफ तौर पर तेजस्वी यादव और इसके साथ अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा प्लान सेट कर लिया है। इंडिया अलायंस के लिए वो मजबूत हैं, जिससे इंडिया अलायंस जो है ताकतवर बन रहा है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ED और CBI का डर दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह साबित कर दिया है कि आपका ADI, आपका ED और CBI रखा रह जाएगा, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा। आपके पास आसीन क्षमता नहीं है कि आप इतना बड़ा स्टेप ले सकें या आरोपों को सिद्ध और प्रसिद्ध कर हमें फंसा सकें। ऐसे में इन आरोपों पर आपका आरोप धरा का धरा रह जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इस वक्त मुकेश सैनी ने साफ तौर पर BJP के लिए अपना दिल दरिया दिखाया है। लेकिन ऐसे में अब क्या BJP उनके लिए कुछ करेगी? BJP धीरे धीरे ये प्लान सेट कर रही है ताकि उन्हें जो है वो कुछ ऐसे नेताओं को छोड़ सके। लेकिन मुकेश सैनी बार बार अपने बातों को रख रहे हैं, बार बार कुछ ऐसी बातों को रख करके धीरे धीरे प्रयास करते नजर आ रहे हैं और उनके प्रयास भी सार्थक स्थितियों को एक नई उत्पन्न स्थितियों में। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल करके आई है। खबर यह है कि अब आगे बहुत बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है, लेकिन क्या अगला निर्णय होने वाला है यह भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल इस वक्त NCP प्रमुख शरद पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। ऐसे में NCP प्रमुख शरद पवार ने बताया कि देश की ऐतिहासिक और मजबूत धरातल को कुछ लोगों ने अपना गुलाम बनाया है, पर आगे की संविधान का रक्षा हमारे हाथ में। बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान भी BJP के समर्थन में अपने ट्राई करते लगे हुए हैं। वो किसी भी तरीके से वो कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे जिससे उन्हें जीत मिल सके। हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज अभी भी बुलंद है, उन्होंने साफ तौर पर कई बार नीतीश कुमार का विरोध तो जरूर किया है, लेकिन इसके साथ ही क्या उनका विरोध करना भी आगे के कुछ मजबूत ताकतों को बनाएगा, ये सवाल टिका हुआ है, ये सवाल यूं ही चल रहा है। लेकिन अभी भी चिराग पासवान, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की
शपथ ले ली, मुख्यमंत्री बन गए और इसके साथ झारखंड में जो खेल मिशन लोटस के तहत करना था वो खेल नहीं हो पाया। और बीजेपी के वरिष्ठ और बड़े नेताओं ने कहा हमारा इरादा ही नहीं था। ऐसे में क्या सचमुच हेमंत सोरेन जेल के सलाखों के भीतर अभी भी कई वक्त तक पड़े रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो आगे की क्या बातें आएगी? खैर, इस पर जानकारी और खबरें आपको देते रहेंगे, बस बने रहिएगा आप हमारे साथ। बड़ी खबर यह है कि बिहार में बिजली व्यवस्थाओं के महंगे होने से आज देश में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। महंगाई की मार बिजली की व्यवस्थाओं पर पड़ा है और ऐसे में आज महंगाई ने साफ तौर पर कमर तोड़ जिया रिकॉर्ड बना रखी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब कहीं ना कहीं कमर तोड़ रिकॉर्ड आज चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके साथ अब उम्मीदों को एक नया पंख दिया जा सकता है। हालांकि धीरे धीरे अब इस महंगाई को दूर करने के लिए कई बड़े प्रयास किए जा सकते हैं। ऐसे में अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा, आप क्या सोचते हैं, आपका इस पर क्या विचार है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।